Hello, students. I am your teacher for this lecture. Welcome to the MCQs discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice questions on the topic transport in plants. So, let's start the questions. सो क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसी भी सब्सटेंस का वो किससे नहीं अफेक्ट होता है तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटांसिस सेकेंड ऑप्शन आपके पास है द प्रेजेंस ऑफ द अदर सब्सटांस इन द सोल्यूशन थर्ड आपके पास है मॉलिकुलर साइज ऑफ द सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी टू द डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस इन द लिपिड तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर हमारे पास अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो अफेक्ट जरूर करता है कौन सा चार्ज है दैट विल अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन सेकेंड ऑप्शन है द प्रेजेंस ऑफ द अदर सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन तो दूसरे सब्सटेंस का प्रेजेंस जो है वो कभी भी डिफ्यूजन को अफेक्ट नहीं करता है साइज

देन सेकेंड है वॉट टाइप ऑफ द मटीरियल डू नॉट डिफ्यूज और फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मैमब्रेन कौन से मटीरियल हैं जो मैमब्रेन से इजली पास आउट नहीं हो सकते सो वैन यू टॉक अबाउट द मैमब्रेन बेटा तो मैमब्रेन में बेसिकली हम लोगों के पास अकॉर्डिंग टू फ्लूड मजाइक मॉडल जो लिपिड का अरेन्जमेंट है तो उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोफिल्लिकड है वो बाहर की तरफ है और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो अंदर की तरफ हैं तो टेल्स अंदर की तरफ हैं तो हेड है, बाहर की तरफ हैं तो लिपिड का जो ये अरेन्जमेंट हो कम इट विल मेक अ वाटर रेजिस्टेंट बैरियर जिस वजह से पानी या पानी में सोल्यूबल कोई भी चीज जो है वो मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकती डिफ्यूज नहीं कर सकती तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है हाइड्रोफॉबिक सब्सटेंसेस, हाइड्रोफॉबिक जाएंगे क्योंकि वो लिपिड सोल्यूबल होते हैं ठीक है एंड देन सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रोफील्डिक सब्सटांसेस हाइड्रोफीलिक होते हैं जो वॉटर सोल्यूबल है या यू कैन से जो वाटर लविंग है दे कैन नॉट ईजली क्रॉस द मैमब्रेन बिकॉज मैमब्रेन में लिपिड क्या बनाता है वॉटर रिजिस्टेंट बैरियर थर्ड आपके पास है एनऑर्गेनिक सोल्यूट ये मूव कर सकता है या डी ऑप्शन है बोथ हाइड्रोफिल्लिक एंड हाइड्रोफोबिक अब इन दोनों में से जो मूव नहीं कर सकता वो हाइड्रोफोबिक है लेकिन हाइड्रोफिल्लिक जो है वो नहीं जा पाएगा फोबिक जा पाएगा तो डी ऑप्शन हम नहीं दे सकते क्योंकि डी में कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है तो सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बनता है दैट विल बी द बी कि जो सब्सटेंसेस या जो मटेरियल हमारे पास वाटर सॉल्युबल हैं या वाटर लविंग हैं जिनको कि हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, दे कैन नॉट डायरेक्टली डिफ्यूज़ और क्रॉस द मेम्ब्रेन और दे फाइंड इट टू बी डिफ़िकल्ट कि वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं इजली तो उनके लिए स्पेशल चैनल्स होते हैं या पोर होते हैं Then third hai water vapor comes out from the plant leaf through the stomatal opening through the same stomatal opening carbon dioxide also diffuses into the plant during the photosynthesis so reason out the above statement using the following option स्टोमेटा जो होते हैं वो बेसिकली प्लांट में आपको कॉमनली लीफ मिलते हैं अपर एंड द लोअर सर्फेस में और इसी स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर है वो बाहर निकलता है और इसी स्टोमेटा के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर आती है कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसेंथिसिस एंड वाटर वेपर आर रिलीजिंग आउट ड्यूरिंग द ट्रांसपीरेशन तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो साइमल्टेनियसली आपके पास इकट्ठे चलते हैं ठीक है तो क्यों है फर्स्ट ऑप्शन है बोथ द प्रोसेस कैन हैपन टूगैदर बिकॉज द डिफ्यूजन को एफिशियंट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफरेंट ये दोनों जो प्रोसेस हैं बेटा एक साथ हो सकते हैं क्योंकि जो डिफ्यूजन को एफिशियंट है पानी का कार्बन डाइऑक्साइड का वो अलग है इसीलिए दोनों के डिफ्यूजन में कोई भी इंटरफेरेंस या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है तो वैसे तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए बनेगा बी अगर मैं देखूं अबव प्रोसेस हैपनस ओनली ड्यूरिंग द नाइट तो ये गलत है जरूरी नहीं, नहीं है कि रात के टाइम पे हो दे मोस्टली अकर इन द डे टाइम वन प्रोसेस अक्कर ड्यूरिंग द डे टाइम अदर एट द नाइट ये भी पॉसिबल नहीं है बोथ द प्रोसेस कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली ये भी गलत है दोनों हो सकते हैं क्योंकि दोनों का जो डिफ्यूजन को एफिशेंट है वो डिफरेंट है तो दोनों डिफ्यूज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली देर विल बी नो प्रॉब्लम तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हम लोगों के पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन फोर्थ आता है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ़ द मॉलिक्यूल वैन द कैरियर मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज इन्वॉल्व अगर आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हो तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में बेटा कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं लेकिन वन थिंग इज देयर कि हमेशा इसमें ए टी पी इन्वॉल्व नहीं होता है देर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ए टी पी बिकॉज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट तो अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा तो पैसिव में एनर्जी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एनर्जी की जरूरत पड़ती है एक्टिव में पॉइंट क्लियर तो फर्स्ट ऑप्शन है सॉल्युबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द लिपिड तो सॉल्युबिलिटी जो मॉलिक्यूल्स की है वो डिसाइड करेगी अफेक्ट करेगी किसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट भी अफेक्ट करेगा बिकॉज पैसिव है तो पैसिव में मटीरियल डिफ्यूज़ करता है फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू वार्डस लोअर कंसेंट्रेशन अवेलेबिलिटी ऑफ द कैरियर मॉलिक्यूल ये भी अफेक्ट करेगा क्योंकि बिना कैरियर के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल तो फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन जिसमें सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं कैरियर मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को नंबर फिफ्थ है वाटर चैनल्स आर बाय अ पोजेस्ट टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस नाउ चैनल्स आर मेड अप ऑफ व्हाट जो वाटर चैनल्स बेटा वो बेसिकली उनको एक्वापोरेंस भी बोला जाता है एक्वापोर में अगर आप एक्वा की बात करो इट इज कमिंग फ्रॉम द वाटर पोरेंस का मतलब होता है चैनल तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो लिपिड का अरेंजमेंट है वो एक वाटर रेजिस्टेंट बैरियर बनाएगा जिस वजह से पानी या पानी में सॉल्युबल कोई भी चीज डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकती तो उसके लिए देर शुड बी कॉमनली चैनल द एक्वापोरेंस जो कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं तो ये बनते हैं एट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स किसके बनते हैं एट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स एट हैं टोटल प्रोटीन्स लेकिन वो बेटा डिफरेंट टाइप के हैं हेट्रो सिमिलर नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट सी है अकेला पोरिन प्रोटीन नहीं है एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वा पोरन्स हैं डी आपके पास नन ऑफ द बर्फ नॉट पॉसिबल तो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन नंबर सिक्स है द गिवन डायग्राम शो द ट्रांसपोर्ट मैथड ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर आइडेंटिफाई द ए बी एंड सी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन तो अगर आप इस डायग्राम को बेटा ध्यान से देखो तो फर्स्ट देखो जहाँ ए है वहाँ पर आप एक साइड से दूसरी साइड में मटीरियल का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो दिस इज बेसिकली कॉल्ड यूनीपॉट यूनीपॉट का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड बी की अगर मैं बात करूं तो बी में एरो जो है वो दोनों तरफ है दोनों तरफ पॉइंट कर रहा है ना तो दोनों तरफ का मतलब है कि एक तरफ सपोज करो अगर अंदर की तरफ है तो दूसरा बेटा बाहर की तरफ है तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑपोजिट का मतलब हो गया एंटी एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट ठीक है एंटी पोर्ट और सी की अगर मैं बात करूं तो दोनों एरो जो हैं वो पॉइंट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में तो सेम डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेम मतलब सिम सिम पॉट तो ए जो है वो यूनी है बी जो है वो एंटी है सी जो है वो सिम पॉट है तो करेक्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो बी बनेगा बिकॉज ए इज़ यूनि गोइंग फ्रॉम वन टू अनदर डायरेक्शन बी आपके पास है एंटी सी आता है सिम पॉट बाकी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो वो गलत है यहाँ पर तो सिक्स नंबर क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बना दैट विल बी द बी ऑप्शन वट इज रिक्वायर्ड फॉर द अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेज थ्रू द मैमब्रेन मैमब्रेन में अगर आपने अपहिल ट्रांसपोर्ट करना है अपहिल का मतलब क्या होता है अपहिल इज एक्चुअली फ्रॉम द लोअर कंसेंट्रेशन टू द हाई कंसेंट्रेशन इसको अप बोला जाता है बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट यू आर गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन तो लोअर टू हायर के लिए डेफिनेटली हमें एनर्जी देना पड़ेगा बिना एनर्जी के जो ट्रांसपोर्ट है इट इज़ नॉट पॉसिबल तो एनर्जी ऑलवेज स्पेंड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जैसे कि वी हैव द सोडियम पोटेशियम पंप तो इस पंप ने जब आयंस को फोर्स करना है या मूव करवाना है तो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट करना है जिसके लिए एनर्जी खर्च करेगा तो अपिल ट्रांसपोर्ट के लिए देयर मस्ट बी द इनपुट ऑफ एनर्जी पिगमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है आउटपुट नहीं है एनर्जी रिलीज नहीं होती, बल्कि एनर्जी लगती है नथिंग इज रिक्वायर्ड तो होगा नहीं बिकॉज बिना एनर्जी के तो ये पॉसिबल नहीं है तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन दैट इज़ द इनपुट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी क्वेश्चन नंबर एट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट पर्टेन टू द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और नीट 2013 में क्वेश्चन आ चुका है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में कौन सा फैक्टर या क्राइटेरिया अप्लाई नहीं हो सकता रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेशल मैम्ब्रेन प्रोटीन ऑब्वियसली आपको मैमब्रेन प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन की जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि आपने फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करना है हाई सिलेक्टिविटी भी होता है बिकॉज जो कैरियर प्रोटीन है वो अपने मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेसिफिक है कि कौन से मॉलिक्यूल के साथ वो बाइंड होंगे और कैसे वो उसका ट्रांसपोर्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन भी जरूरी है क्योंकि अगर एक तरफ कंसेंट्रेशन ज्यादा है दूसरी तरफ कंसेंट्रेशन कम है तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट होता है अपहिल ट्रांसपोर्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज बेटा अपहिल ऑलवेज फ्रॉम द लो कंसेंट्रेशन टू द हाई कंसेंट्रेशन एंड दैट ऑलवेज रिक्वायर द ए टी पी एनर्जी सो इट कम्स अंडर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो जो फैक्टर सुटेबल नहीं है फॉर द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट वो आपके पास है डी तो एट का बेटा करेक्ट आंसर हम लोगों के पास बनता है डी दैट इज द अपहिल ट्रांसपोर्ट नंबर नाइन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम ज़ीरो इन अ टर्जेड सेल टर्जेड होता है जो फुली टर्जेड फुला हुआ सेल आप मान के चलो सपोज करो एक सेल के अंदर जो है वाटर की एंट्री हो रही है लगातार ठीक है पानी एंटर कर रहा है, तो जब पानी एंटर करेगा तो सेल क्या हो जाएगा स्वेल हो जाएगा स्वेल का मतलब है कि सेल जो है वो फुली टर्जेड हो जाता है जितना पानी वो होल्ड कर सकता है होल्ड कर लेगा ठीक है और बर्स्ट नहीं होगा फटेगा नहीं तो ऐसे सेल को फुली टर्जिड बोला जाता है तो फुली टर्जेड सेल में जो टर्गर प्रेशर है वो ज़ीरो नहीं होता ऑस्मोटिक प्रेशर ज़ीरो नहीं होता और आपका जो ये वाटर पोटेंशियल है ये भी ज़ीरो नहीं होता उसमें बेसिकली डीपीडी ज़ीरो हो जाता है डीपीडी डीपीटी इज़ बेसिकली कॉल्ड डेफिशेंट प्रेशर डिपिक्ट ठीक है तो डीपीडी जो है इट विल बिकम ज़ीरो वैन द सेल इज़ फुली टर्ज तो नाइन का जो आंसर हम लोगों के पास आएगा दैट विल बी द करेक्ट ए ऑप्शन द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल एंड द प्रेशर पोटेंशियल अगर हम वॉटर पोटेंशियल सॉल्यूट और प्रेशर के बीच का रिलेशनशिप देखें तो वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस द प्रेशर पोटेंशियल ऑलवेज वाटर पोटेंशियल इज द सम ऑफ द सॉल्यूट एंड द प्रेशर पोटेंशियल सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑलवेज द सी बिकॉज फर्स्ट में बेटा नेगेटिव है माइनस है दैट इज़ नॉट पॉसिबल बी में अगर आप देखो तो वो गलत है ठीक है अगर डी ऑप्शन देखो तो वो भी कैलकुलेशन के हिसाब से गलत है तो रिलेशनशिप ऐसा होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल तो टेंथ का जो एग्जैक्ट आंसर हम लोगों के पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन दैन नेक्स्ट है टू सेल ए एंड बी हैव द ऑस्मॉटिक पोटेंशियल एंड द प्रेसर पोटेंशियल एटीन बार एंड एट बार एंड माइनस फोर्टीन बार एंड टू बार रिस्पेक्टिवली वट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वॉटर फ्लो तो ये काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं बेटा जो आपको आ सकते हैं तो इनको सॉल्व कैसे करना है पहले आप ध्यान से देख लो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो सेल दिए हैं एक ए सेल है और एक आपके पास है बी सेल तो पहले तो दोनों का वॉटर पोटेंशियल हमें निकालना पड़ेगा तभी पता लगेगा कि वाटर का फ्लो कैसे होगा तो स्पोज करो हम ए का वाटर पोटेंशियल निकालते हैं सो दिस इज द वाटर पोटेंशियल ऑफ ए वाटर पोटेंशियल क्या होता है सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस द प्रेशर पोटेंशियल ठीक है अब आपको ए का ऑस्मोटिक यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल कितना दिया है माइनस एटीन तो यहां पर आप लिखोगे माइनस एटीन और प्रेशर पोटेंशियल कितना है प्लस एट तो ये हम लोगों के पास आ गया है. टोटल यहां पर माइनस टेन तो वॉट इज द वॉटर पोटेंशियल ऑफ द ए सेल माइनस टेन सिमिलरली हम यहाँ पर बी का निकालते हैं साई एस प्लस साई पी तो हम बी में वैल्यू पुट करेंगे माइनस फोर्टीन प्लस टू तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेल्व दिस इज द वाटर पोटेंशियल ऑफ बी नाउ लुक एट दिस माइनस ट्वेल्व इज

फ्लो ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस ये इनकरेक्ट है क्योंकि बेटा प्रेशर डिफरेंस है तो पानी तो फ्लो करेगा ये तो है बोथ डायरेक्शन में नहीं हो सकता क्योंकि एक जगह पोटेंशियल कम है दूसरी जगह पोटेंशियल ज़्यादा है एंड इट विल मूव फ्रॉम द हायर टुवॉर्ड्स द लोअर पोटेंशियल बी टू ए पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर तो इलेवन का जो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन तो अगर इस तरह के नुमेरिकल्स आते हैं तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है वैल्यू आपको गिवन है जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट योर आंसर क्लियर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है शुगर्स आर एक्टिवली मूविंग इन टू अ सेल वॉट विल हैपन टू द टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल अब डेफिनेटली अगर एक सेल के अंदर बेटा शुगर मॉलिक्यूल बहुत फास्टली मूव कर रहे हैं एक्टिवली मूव कर रहे हैं तो देखो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा इट ऑल्सो स्टार्ट गेनिंग द वॉटर वो पानी भी गेन करना स्टार्ट कर देगा पानी गेन करेगा तो टर्गर प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आप टर्गर प्रेशर को रोक नहीं सकते यहाँ पर तो टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा किस वजह से ड्यू टू द एंट्री ऑफ द वॉटर तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ए क्योंकि अगर आप बी ऑप्शन देखो तो बी में लिखा है टर्गर प्रेशर डिक्रीज बिकॉज वाटर एग्जिट वॉटर एग्जिट नहीं करेगा क्योंकि अंदर सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ गया है तो वाटर विल मूव इन साइड द सेल तो ये हो गया इनकरेक्ट सी में लिखा है टर्गर प्रेशर इंक्रीजेस एज द शुगर कंसंट्रेशन अफेक्टेड डायरेक्टली डायरेक्टली नहीं कर रहा है इनडायरेक्टली कर रहा है नो इफेक्ट ऑफ द शुगर कंसंट्रेशन ऑन द टर्जिडिटी हैज़ नो चेंज ऐसा तो है नहीं अगर शुगर एंटर होगा तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल चेंज होगा जिस वजह से वॉटर की एंट्री होगी सेल आपका फूलेगा स्वेल करेगा तो टीपी यानी कि जो टर्गर प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा तो ट्वेल्थ का जो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन वट इज़ द लोकेशन ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप विच इंटरप्ट द मूवमेंट ऑफ द वॉटर इन साइड अ रूट रूट जब पानी एब्जॉर्ब करती हैं तो वो रूट सिस्टम को ट्रेवल करता है तो ऑन द वे आती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो कि मूवमेंट ऑफ वाटर को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं वो बेसिकली बेटा कौन सी लेयर में है यहाँ पर देखो एंडोडर्मिस है कॉटेक्स है पेरिसाइकल है हाइपोडर्मिस है क्लियर हाइपोडर्मिस नहीं कर सकता वो तो वैसे भी टॉप मोस्ट लेयर में आता है पैरिसाइकिल भी नहीं करता है ठीक है कॉटेक्स भी नहीं करेगा एंडोडर्मिस के जो सेल्स हैं अगर आप एंडोडर्मिस के सेल्स को ध्यान से देखो तो इन सेल्स के बीच में आपको ये स्ट्रिप्स नज़र आते हैं जिनको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोला जाता है दैट सम हाउ रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द वॉटर इन साइड द रूट तो थर्टीन का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन

तो ये पाथवे कौन बनाएगा प्लांट के केस में तो प्लांट के केस में अगर देखा जाए तो इट इज़ मेड बाय प्लाज्मो डेस्माटा बिकॉज प्लांट के केस में बेटा जो साइटोप्लाज्म है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विद दी हेल्प ऑफ दीज टनल एंड दीज टनल्स आर कॉल्ड द प्लाज्मो डेस्माटा सो दिस इज अ टू साइटोप्लाज्म कनेक्शन बिटवीन द प्लांट सेल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटीरियल ठीक है इट इज नॉट साइटोप्लाज्म इट इज नॉट प्रोटोप्लास्ट इट इज एक्चुअली द प्लाज्मो डेस्माटा तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्ले अ मेजर रोल इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द जाइलम सैप इन अ टॉल ट्री टॉल ट्री में जब जाइलम सेप का मूवमेंट होगा दैट इज़ अ मूवमेंट ऑफ द मटीरियल इन द जाइलम तो उसमें कौन है जो अपना रोल प्ले नहीं करता है ठीक है तो ट्रांसपेरेशन ज़रूरी है क्योंकि ट्रांसपेरेशन होगा तो एक पुल बनेगा जिस वजह से वो और ज़्यादा पानी जो है रूट से खींचेंगे ऊपर की तरफ टेंशन जो है वो भी ज़रूरी है क्योंकि हमेशा अगर वाटर लॉस हो रहा है तो प्लांट इज़ ऑलवेज अंडर टेंशन बिकॉज उसको उतना पानी नीचे से लेना भी है रूट से कोहेजन एंड एडेशन भी ज़रूरी है कोहेजन का मतलब होता है जब ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं दे फॉर्म अ कॉलम दिस इज़ कॉल्ड कोहेजन एंड वैन दे एंटर्ड इन टू द जाइलम जाइलम एलिमेंट में एंटर करते हैं दे एडहीयर विद द वॉल ऑफ द जयलम टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस कॉलम विच एक्चुअली ट्रांसपोर्ट द वॉटर ठीक है तो यहाँ पर कोहैजन एंड एडेशन भी जरूरी है लेकिन अगर मैं प्लाज्मो डेस्माटा की बात करूँ तो प्लाज्मो डेस्माटा दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ जायलम सैप बिकॉज दे आर नॉट फॉर द मूवमेंट ऑफ द जयलम सैप दे आर बेसिकली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटीरियल बिटवीन द प्लाट्ल so 15 ka jo correct option hamare banega that will be the d option which is plasmodesmata next hai root hair zone in the plant is a specialized structure for the water absorption they do not perform photosynthesis and so are incapable of जो रूट हेयर जोन्स हैं मतलब जो रूट हेयर होती हैं प्लांट्स में जैसे हम रूट्स बनाते हैं ना प्राइमरी देन सेकेंडरी देन उससे निकलती हैं तर्शरी फिर नीचे उसकी स्मॉल हेयर आते हैं जिनको रूट हेयर्स बोला जाता है विच पेनिट्रेट इन टू द सॉइल डीपली तो मिनरल अपटेक है बिल्कुल क्लियर है मिनरल्स भी लेती हैं सॉइल से वाटर अपटेक भी करेंगे डेफिनेटली ठीक है ऑक्सीजन अपटेक भी है लेकिन बेटा कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक का यहाँ पर कोई रोल आपके पास नहीं होता है तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक वो यहाँ से नहीं होता है वो वैसे भी स्टोमेटा से होता है क्लियर देन नंबर सेवेंटीन है एसेंट ऑफ सैप एसेंट ऑफ सैप इज़ बेसिकली फॉर द मूवमेंट ऑफ द मटीरियल इन द वैसक्यूलर बंडल सो फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिव एंड रिक्वायर द एनर्जी एक्सपेंडिचर बाय द सॉयल सेकेंड है पैसिव एंड नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी बाय द प्लांट सी है एक्टिव एंड रिक्वायर द एनर्जी एक्सपेंडिचर बाय द प्लांट डी है पैसिव अनलेस द सॉयल इज ट्राई तो एसेंट ऑफ सैप जो है वो बेसिकली हम लोगों के पास पैसिव है बेटा उसमें एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है देर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी देर इज अ पैसिव मूवमेंट ऑफ द मटीरियल दैट इज नोन एज द एसेंट ऑफ सैप तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास है दैट विल बी द बी ऑप्शन अनलोडिंग ऑफ द मिनरल्स मिनरल्स का अनलोडिंग आप कहां करते हो प्लांट में तो अनलोडिंग हमें वहाँ चाहिए जहाँ पर होती है ग्रोथ प्लांट के केस में अब प्लांट के केस में ग्रोथ कहाँ कहाँ पर होती है जैसे कोई नया फ्रूट बन गया ठीक है फ्रूट की ग्रोथ हो रही है बट की ग्रोथ हो रही है लीफ की ग्रोथ है शूट की ग्रोथ है एवरी पॉइंट वेयर द ग्रोथ इज़ अक्रिंग वी ऑलवेज़ रिक्वायर द मिनरल्स वहां पर उनकी अनलोडिंग करी जाती है उनको रिलीज़ किया जाता है ताकि प्लांट उनको यूज़ कर सके तो पहला है एपिकल मैरिस्टम ये भी चाहिए क्योंकि यहां पर लगातार सेल जो है वो डिवाइड करते हैं फाइन वेन एंडिंग यानी कि जो लीफ है फ्रूट्स में भी चाहिए तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम आर नॉट रीमोबिलाईज बिकॉज दे आर कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको आप बेटा रीमोबिलाइज नहीं कर सकते एक बार चले गए तो वापस नहीं निकाला जा सकता किस लिए पहला ऑप्शन है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं बी हैवी मेटल्स हैं सी लेस चार्ज हैं डी मैक्रोमोलिक्यूल हैं अब एलिमेंट्स को अगर आप रीमोबिलाइज़ नहीं कर सकते तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है अब उसने अगर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बना दिया और वो किसी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हो गया तो हम उसको रीमोबिलाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक तरीके से एडजस्ट हो चुका है इट इज़ नॉट कि वो हैवी मेटल है इसलिए आप उसको रिमोबिलाइज नहीं कर सकते वो लेस चार्ज है ऐसा कुछ नहीं है वो मैक्रो मोलिक्यूल है ऐसा भी कुछ नहीं है बिकॉज़ वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बना देता है इसलिए उसको रिमोबिलाइज करना पॉसिबल नहीं है तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन लेंटि सेल्स आर इन्वॉल्वड इन ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दो बार रिपीट हो चुका है पेपर में नीट NEE 2013 एज वेल एज सीबीएसई आईपीएमटी 2002 में भी आ चुका है तो लेंटि सेल्स जो हैं वो जस्ट लाइक like है स्टोमेटा Lenticels are just like stomata. So stomata are basically for the gaseous exchange. So you can say lenticels are also for the gaseous exchange. Lenticels are not for the transpiration.

जो भी आप मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करोगे जाइलम के थ्रू वो कैसे करोगे किस तरीके का होगा फर्स्ट है एक्टिव एंड द एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाई ए टी पी सेकेंड है पैसिव एंड एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड सी है एक्टिव एंड नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी पहले तो आप ये ऑप्शन ही गलत कर दो क्योंकि अगर वो एक्टिव है तो एक्टिव में तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए डी में लिखा है पैसिव अगर वो पैसिव है तो उसमें एनर्जी नहीं चाहिए तो एज अ स्टेटमेंट ये सी और डी तो हो गए गलत अब आपके पास बच्चा ए और बी ऑप्शन तो अगर आप यहाँ पर ए और बी की बात करो तो हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिनरल्स थ्रू द जाइलम। तो जाइलम में जब भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है पहले तो ये यूनिडायरेक्शनल है इट इज ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन क्योंकि रूट से आप अपटेक करोगे यहाँ पर तो ये बेसिकली बेटा एक्टिव है और इसके लिए जो एनर्जी होगी दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द एटीपी तो ट्वेंटी फर्स्ट का जो सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन सैप इज मेड अप ऑफ जयलम सैप किस चीज का बना है देखो जो चीज़ें जाइलम में बेटा ट्रांसपोर्ट करी जाएंगी वही मिलके सैप बनाती हैं तो जाइलम सैप में बेसिकली जाइलम से हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वाटर का जो रूट से पूरे प्लांट को जाता है प्लस उस सॉयल में जो मिनरल्स प्रेजेंट है वो भी जाएंगे तो जाइलम सैप इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स अकेले वाटर का नहीं है अकेले मिनरल्स का नहीं है शुगर इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि शुगर मिलेगा फ्लोइम में तो यहाँ पर किसका ट्रांसपोर्टेशन है या वो किससे बना है वाटर एंड मिनरल्स तो ट्वेंटी सेकेंड का जो सही ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन नेक्स्ट है रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू जो रूट प्रेशर है वो किसकी वजह से डेवलप होता है ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है 2015 में इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन रूट प्रेशर जो डेवलप होगा वो बेसिकली किसकी वजह से होगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से या लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन द सॉइल ये तो पॉसिबल नहीं है पैसिव एब्जॉर्प्शन नहीं है इंक्रीज इन द ट्रांसप्रेशन नहीं है रूट प्रेशर जो बिल्डअप होता है इट इज बेसिकली ड्यू टू द एक्टिव एब्जॉर्ब्शन क्योंकि एनर्जी खर्च होती है एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं तो उस वजह से प्रेशर बिल्डअप होता है तो ट्वेंटी थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी द ए ऑप्शन द शुगर स्टोर्ड इन द रूट्स मे बी मोबलाइज टू बिकम अ सोर्स ऑफ फूड इन वॉट जो भी शुगर रूट में स्टोर्ड है उसको मोबिलाइज़ किया जाता है और उसको स्टोर करके रखा जाता है सोर्सेज में ठीक है सोर्स आप उसको बोलते हो जो समटाइम बनाने का भी काम करते हैं जैसे लीफ हैं खाना बनाएंगे तो उनको सोर्स बोला जाता है तो ये हमें देखने को मिलता है इन द अर्ली स्प्रिंग्स अर्ली स्प्रिंग्स में जो शुगर रूट में स्टोर्ड है उसको निकाल के सोर्स में भेजा जाता है ताकि वो खाना बन जाए क्योंकि उस टाइम पे पेड़ पत्ते निकलने हैं पेड़ों की ग्रोथ होनी है सो दे रिक्वायर द कंटिन्यूस फूड सप्लाई सो इट एक्चुअली हैपन इन द अर्ली स्प्रिंग विंटर में नहीं होगा समर में नहीं होगा अर्ली समर में नहीं होगा अर्ली स्प्रिंग्स में होगा तो so 24 का जो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन नेक्स्ट है बेटा ट्वेंटी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन द फ्लोइम सैप इज मेड अप ऑफ फ्लोइम सैप किस चीज़ का बना है अब देखो फ्लोइम में ज़्यादातर हम ट्रांसपोर्टेशन किसका करते हैं फूड का खाने का जैसे शुगर वगैरह हो गया सोर्स ने बनाना है सोर्स है आपके लीफ आपकी ग्रीन स्टेम वहां से बना के उसको प्लांट में हर जगह हमने ट्रांसपोर्ट करवाना है तो फर्स्ट ऑप्शन है वाटर एंड मिनरल्स अब वाटर मिनरल्स तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है बेटा क्योंकि वाटर मिनरल बेसिकली किसके थ्रू होता है जाइलम के थ्रू सेकेंड ऑप्शन है वाटर एंड सुक्रोज सुक्रोज इज द राइट ऑप्शन क्योंकि फोटोसेंथसिस में जो खाना बनेगा वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है प्लांट ग्लूकोज को यूज कर लेते हैं रिमेनिंग ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया जाता है प्लांट में विद दी हेल्प ऑफ द फ्लोएम तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा ट्वेंटी फिफ्थ का दैट विल बी द बी ऑप्शन सी इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज उसमें वाटर बी है साथ में ग्लूकोज है डी वैसे ही पॉसिबल नहीं है तो ट्वेंटी फिफ्थ का जो राइट right ऑप्शन बना दैट विल बी द बी ऑप्शन विच इंक्लूड द वॉटर एंड सुक्रोज इन केस ऑफ द प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसलोकेटड थ्रू द फ्लोइम फ्लोइम के थ्रू किसका ट्रांसलोकेशन किया जाता है अब फ्लोइम ट्रांसलोकेशन करते हैं मेनली खाने का सोर्स से सिंक की तरफ भेजता है या आप मान के चलो कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डायरेक्शनल भी हो सकता है ऊपर नीचे दोनों तरफ होगा क्योंकि प्लांट के हर पार्ट को खाना पहुंचाना है तो फ्लोइम से हम हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं अमीनो एसिड्स का भी ट्रांसलोकेशन होता है शुगर तो डेफिनेटली होगा क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड है तो ट्वेंटी का जो राइट right ऑप्शन हम लोगों के पास बना दैट विल बी द डी ऑप्शन कि फ्लोइम के थ्रू जो ट्रांसलोकेशन है वो सभी का होगा हॉर्मोन अमीनो एसिड एज आस वेल एज शुगर 27 है द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस इज फॉर व्हाट? जो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है वो किसके लिए है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर बी ऑप्शन है ट्रांसलोकेशन ऑफ वॉटर वाटर के लिए बेटा प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं है ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स भी नहीं होगा क्योंकि वाटर और मिनरल्स आर मेनली ट्रांसलोकेटेड थ्रू द जयलम नन ऑफ द अबव पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका आंसर बनेगा ए दैट इज अ ट्रांसलोकेशन ऑफ द शुगर विच इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेशर फ्लो सोर्स जो है, जैसे कि हमारे पास ग्रीन लीफ हो गए ये सोर्स का काम करेंगे खाना बनाएंगे फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो यहाँ पर खाने का अमाउंट है ज़्यादा कंसंट्रेशन है ज़्यादा वहाँ से खाने को भेजा जाएगा सिंक की तरफ सिंक हो सकती है फ्रूट सिंक हो सकता है बर्ड या सिंक हो सकते हैं न्यूली फॉर्म्ड लीफ जिनको वो खाना चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए तो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ऑप्शन ट्वेंटी एट है एबिलिटी टू रिजिस्ट अ पोलिंग फोर्स इज़ फोर्स को रिजिस्ट करना इज़ फर्स्ट ऑप्शन कैपिलारिटी सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आप लोगों के पास है टेंसाइल स्ट्रेंथ तो एबिलिटी टू रिजिस्ट फोर्स इज बेसिकली नोन एज द टेंसाइल स्ट्रेंथ क्योंकि जो इसमें बेटा कोहेजन या एडहेशन है वो तो डेफिनेटली जुड़ने में काम करेंगे ना नहीं करेंगे पुलिंग फोर्स को रिजिस्ट में आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ तो करेक्ट ऑप्शन 28 का कौन सा बनेगा डी ऑप्शन ट्वेंटी नाइन हाउ मच ऑफ द एब्जॉर्ब वाटर इज लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसपरेशन इन द प्लांट प्लांट जो है वो रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वाटर जो है बेटा वो ट्रांसपीरेशन के टाइम पे लॉस्ट हो जाता है स्पेशली समर के टाइम पर जब लाइट इंटेंसिटी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ़ ट्रांसपरेशन भी बहुत हाई है बाहर ठीक है तो यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस्ट आउट होगा अप्रॉक्सीमेटली 98 से लेके 99 परसेंट तो 29 का सही ऑप्शन कौन सा बना बी ऑप्शन मतलब जितना एब्जॉर्ब किया ऑलमोस्ट सारा का सारा निकल जाता है बहुत ही कम अमाउंट जो है वो प्लांट यूटिलाइज कर पाते हैं थर्टी एथ है द फोर्स जनरेटेड बाय द ट्रांसपरेशन कैन लिफ्ट अ कॉलम ऑफ वाटर ओवर अ हाइट ऑफ जो ट्रांसपरेशन पुल की वजह से फोर्स जनरेट होती है जिस वजह से पानी खिंचता है ऊपर की तरफ वो कितनी हाइट तक जो है पानी को बेटा पुल कर सकता है तो थर्टी का फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है वन थर्टी मीटर इट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन बहुत ज़्यादा हाइट तक खींच सकता है मोर देन हंड्रड तो बी गलत है सी थ्री हंड्रेड तो बहुत ही ज्यादा हो गया टू भी ज्यादा है तो फर्स्ट ऑप्शन थर्टी एथ का है वन थर्टी मीटर दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन थर्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करने में कौन सा फैक्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट फैक्टर आपको दिया है लाइट थर्ड सेकेंड है टेम्परेचर थर्ड है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और फोर्थ है विंड स्पीड वैसे तो ये सारे ही फैक्टर आपके इन्वॉल्व होते हैं लेकिन आपने बताना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम लोगों के पास आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ठीक है ह्यूमिडिटी कितनी है आसपास एनवायरनमेंट में वो डिसाइड करेगा कि ट्रांसपरेशन का रेट ज़्यादा है या फिर कम है ठीक है बिकॉज इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो 31 का करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बना सी ऑप्शन थर्टी टू विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन कौन सा वाला है जो बेटा ट्रांसपीरेशन का फंक्शन नहीं है फर्स्ट है कूल लीव सरफेस ऑब्वियसली सरफेस तो कूल करता ही है ट्रांसपीरेशन से कूलिंग इफेक्ट आता है मेंटेन द शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट ठीक है वो ये भी करेगा क्लियर देन हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ द शुगर फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक अब अगर आप इसकी बात करो तो ये ट्रांसपीरेशन की वजह से नहीं है ये तो बेसिकली फ्लोइम करेगा जो वैस्कुलर बंडल है प्रोवाइड वाटर फॉर फोटोसेंथिस ये भी ठीक है तो सी जो है वो हम लोगों के पास फंक्शन नहीं है किसका ट्रांसपीरेशन का तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन विच वन इज़ ट्रू अबाउट गटेशन गटेशन के लिए क्या ट्रू है गटेशन बेसिकली एक प्रोसेस है कि जिसमें आप अर्ली मॉर्निंग अगर आप गार्डन वगैरह में वॉक करो तो आप नोटिस करोगे कि लीफ का जो ये अपर सरफेस है वहाँ से वॉटर लॉस होता हुआ आपको दिखाई देता है जिसको समटाइम ओस भी बोल देते हैं तो उसको गटेशन बोला जाता है प्रोसेस को तो गटेशन के लिए बेटा कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है फर्स्ट है इट अकर थ्रू द स्पेलाइज पोर कॉल्ड हाइडरथोट्स दैट इज क्लियर इट अकर इन द हर्बेशियस प्लांट वेन द रूट प्रेशर इज लो एंड ट्रांसपेरेशन इज हाई ये गलत है इट ऑनली अकर ड्यूरिंग द डे टाइम ये भी गलत है डे टाइम में नहीं होता मॉर्निंग में होता है इट अकर इन द प्लांट ग्रोइंग अंडर द कंडीशन ऑफ द लो सॉइल मॉइस्चर एंड हाई ह्यूमिडिटी ये भी नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन जो 33 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास बना दैट विल बी द ए ऑप्शन कि जो गटेशन होगा वो स्पेशल पोर्स के थ्रू होता है जैसे आप वाटर या गैस का एक्सचेंज करते हो ना स्टोमैटा के थ्रू तो सेम तरीके से गटेशन भी स्पेशल पोर के थ्रू होता है जिनको हाइडोथोट्स बोला जाता है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मैथड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोइंग जायलम जो है वो बेसिकली वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोइम बेसिकली फूड का करेगा तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूव द जायलम बट नाट द फ्लोइम सैप सेकेंड है ट्रांसपोर्ट इन दायलम इज़ यूनी डायरेक्शनल एंड द सैप मूव अपवर्ड वाइल इन द फ्लोइम ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल ये वैसे करेक्ट है आपके पास थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं ट्रांसपीरेशन डज नॉट मूव दायलम सैप बट इट मूव द फ्लोएम सैप ये करेक्ट नहीं है ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटांसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम द सोर्स टू सिंक बाय बोथ द टिश्यू ये तो वैसे भी गलत है सोर्स टू सिंक जो है वो सिर्फ फ्लोएम में अप्लाई होगा नॉट इन केस ऑफ द जाइलम तो 34 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है बिकॉज बेटा जायलम ने वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना है तो वाटर एंड मिनरल्स ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लान दैट इज इन वन डायरेक्शन फ्लोइम ने खाने का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो खाना बनता है सोर्स में अब सोर्स से वो जाता है सिंक के पास तो इट कैन मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन इट कैन मूव इन द लोअर फॉर डायरेक्शन दैट इज़ कॉल्ड बोथ डायरेक्शन तो बाई डायरेक्शनल होगा फ्लोइम के केस में लेकिन जाइलम के केस में कैसा होगा यूनी डायरेक्शनल तो 34 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बना दैट विल बी द बी ऑप्शन नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट रीजन ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन इन द रूट तो रूट में बेटा मोस्ट एफिशिएंट रीज़न बताना है जो वाटर एब्जॉर्प्शन करवाता है रूट कैप नहीं है वो तो बेसिकली रोकती हैं ग्रोइंग पॉइंट नहीं होगा जोन ऑफ इलोंगेशन पॉसिबल नहीं है इट इज़ अ जोन ऑफ डिफरेंसीशन क्योंकि वहां पर रूट हेयर प्रेजेंट है सो दे इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द वॉटर एब्जॉर्प्शन थर्टी तो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बना दैट विल बी द डी ऑप्शन विच इंक्लूड द जोन ऑफ डिफ्रेंसिएशन थर्टी सिक्स में है आइसो बाइलेट्रल लीव हैल लीव्स में क्या है स्टोमेटा ज्यादा अपर सर्फेस पे होंगे यस टोमेटा ज़्यादा लोअर सरफेस पे होंगे यस टोमेटा इक्वल नंबर पे होंगे दोनों सरफेस के ऊपर डी ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ द अबव तो 36 नंबर क्वेश्चन में बात हो रही है बेटा आइसो बाइलेट्रो लीव की आइसो का मतलब होता है बराबर वर्ड कहीं पर भी आता है ना तो उसका मतलब होता है इक्वल तो थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन में इक्वल है तो मतलब इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन बोथ द सर्फेस दैट इज ऑन द अपर एज वेल एज द लोअर सर्फेस रूट हेयर एब्जॉर्ब द वॉटर फ्रॉम द सॉयल विद द हेल्प ऑफ जो रूट हेयर है वो सॉइल में से पानी कैसे एब्सॉर्ब करेंगे फर्स्ट ऑप्शन है बेटा सक्शन प्रेशर बी है टर्गर प्रेशर सी ऑस्मॉटिक प्रेशर डी नन ऑफ द दीज तो अगर थर्टी सेवन नंबर में मैं बात करूँ तो यहाँ पर बात हो रही है बेटा रूट हेयर्स की तो रूट हेयर ने पानी लेना है सॉयल से ठीक है तो सॉयल से अगर पानी लेना है तो दैट इज़ नॉट ड्यू टू द टार्गर प्रेशर टार्गर प्रेशर आपको पता है क्या होता है एट इज़ द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द सेल वेन द वॉटर एंट्रिंग इन टू द सेल ऑसमॉटिक प्रेशर इज ड्यू टू द ऑस्मॉटिक कंसनट्रेशन सॉल्यूट की वजह से जो रूट हेयर ने पानी एब्जॉर्ब करना है वो सक्शन प्रेशर की वजह से करना है खींचते हैं पानी सो इट इज ड्यू टू द सक्शन प्रेशर तो 37 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन 38 है नो रेप्चर एंड द फ्रैक्शन अकर इन अ वाटर कॉलम ऑफ वैसल्स एंड ट्रेकिड ड्यूरिंग द एसेंट ऑफ सैप एंड इट इज ड्यू टू वॉट फर्स्ट ऑप्शन है कि दे आर लिग्निफाइड थिक वॉल्स ठीक है लिग्निफाइड होंगे फिर तो वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन कर नहीं पाएंगे दे हैव द वीक ग्रेविटेशनल पुल ग्रेविटेशनल पुल वीक होगा तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा कोहेजन एंड एडहेशन कोहेजन होता है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं एडहेशन दे अटैच विद द वॉल ऑफ द जाइलम तो दैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन क्योंकि आपस में भी जुड़े हैं वॉल से भी जुड़े हैं तो एक कंटिन्यूस कॉलम आपके पास बना है और वो कॉलम टूटता नहीं है इसी वजह से पानी का ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन लगातार चलेगा और यूनिडायरेक्शनल चलेगा ट्रांसपीरेशन पुलिस का आंसर नहीं है तो 38 का करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन The positive pressure responsible for pushing up water to a small height, small height तक अगर एक पानी आपने पहुंचाना है तो उसके लिए कौन सा प्रेशर है जो positive प्रेशर है जो उसको promote करेगा First है root pressure। ठीक है देन सेकेंड है स्टेम प्रेशर स्टेम प्रेशर इज़ नॉट इन्वॉल्व गटेशन का इसमें कोई रोल नहीं है ऑस्मोसिस का कोई रोल नहीं है तो बच्चा हमारे पास रूट प्रेशर रूट प्रेशर की वजह से पानी का मूवमेंट होता है प्लांट में चाहे वो प्लांट छोटी हाइट का है चाहे बहुत बड़ा है तो 39 का जो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन विच इंक्लूड द रूट प्रेशर द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉटर मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी इवन अप टू अ वन थर्टी मीटर ऑफ अ टॉल ट्री कम्स फ्रॉम अब ऑब्वियसली अगेंस्ट द ग्रेविटी करना है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होनी चाहिए ताकि आप प्लांट में पानी को ज़्यादा लंबी हाइट तक उसको प्रोवाइड कर सको फर्स्ट ऑप्शन है रूट प्रेशर सेकेंड ऑप्शन है ट्रांसपीरेशन पुल सी ऑप्शन है डिफ्यूजन प्रेशर डी ऑप्शन है पल्सेशन अब देखो आपने टॉल ट्री में करना है बेटा तो टॉल ट्री में ना रूट प्रेशर सफिशेंट नहीं है रूट प्रेशर होता है जो छोटे हाइट के प्लांट हैं अगर टॉल ट्री है तो उसमें ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जितना स्ट्रांग ट्रांसपिरेशन पुल होगा उतना स्ट्रांगली वो वाटर खींचेंगे तो पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लगातार चलता रहेगा डिफ्यूजन प्रेशर का इसमें कोई रोल नहीं है पल्सेशन इज नॉट इन्वॉल्व इन वाटर ट्रांसपोर्ट तो फोर्टी का जो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बना दैट विल बी द बी ऑप्शन 41 है द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इज यूज टू स्टडी विच फिनोमिना इन प्लांट प्लांट में जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है वो कौन से फिनोमिना को स्टडी करने के लिए यूज होगा फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्मोसिस सेकेंड ऑप्शन है डिफ्यूजन थर्ड ऑप्शन है ट्रांसपीरेशन फोर्थ ऑप्शन आपको दिया जाता है गटेशन तो कोबाल्ट क्लोराइड का जो पेपर है वो स्पेशली बनाया जाता है डिजाइन किया जाता है ताकि ट्रांसपिरेशन के रेट को स्टडी किया जा सके नॉट ऑस्मोसिस नॉट डिफ्यूजन नॉट गटेशन तो 41 का जो सही ऑप्शन आएगा दैट विल बी दी ऑप्शन कोहेजन एंड एडहेशन इज ऑल्सो नोन एज द कोहेजन और एडहेशन को क्या बोला जाता है ट्रांसपिरेशन पुल थ्यूरी रूट प्रेशर थ्यूरी थ्योरी ऑफ कैपिलैरिटी या फिर रिलय पंप थ्योरी। तो 42 में अगर मैं बात करूं तो कोहेजन एंड एडहेशन की है वाटर मॉलिक्यूल का आपस में जुड़ना कोहेजन, वॉल के साथ जुड़ना एडहेशन ताकि एक वाटर कॉलम बना रहे कॉलम बनाने के लिए ट्रांसपीरेशन पुल का होना बहुत ज़रूरी है अदरवाइज कॉलम बनेगा नहीं तो वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो 42 में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन दैट इज अ ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। रूट प्रेशर नहीं अप्लाई हो सकता क्योंकि वो शॉर्ट प्लांट में होगा थ्योरी ऑफ कैपेलिटीज पे अप्लाई नहीं होती है और नीदर द रिलाय पम्प थ्योरी द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ दोमैटाज ड्यू टू द चेंज इन जो स्टोमेटा ओपन होते हैं खुलते हैं वो बेसिकली किसकी वजह से हैं वो बेसिकली आपके पास है टर्जिडिटी की वजह से क्योंकि स्टोमेटा की अगर मैं बात करूं तो सपोज करो बेटा ये हमारे पास आ गए यहाँ पर स्टोमेटा एंड दी स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सेल्स ठीक है जिनको एपिथीलियल सेल बोला जाता है और ये जो किडनी शेप है गार्ड सेल्स हैं बीच में जो ये ओपनिंग है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड स्टोमेटा तो गार्ड सेल टर्जिड है या श्रिंक कर चुके हैं वो डिसाइड करेगा कि स्टोमेटा खुलेंगे कि बंद होंगे तो टर्जिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट जो स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करती है तो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द बी ऑप्शन 44 फोर विच वन गिव द मोस्ट वैलिड क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा मोस्ट वैलिड पूछा है एंड रीसेंट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टोमैटल मूवमेंट्स ए आई पी एम टी टू थाउजेंड फिफ्टीन में क्वेश्चन आ चुका है ट्रांसपीरेशन नो पोटेशियम इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स स्टार्च हाइड्रोलिसिस या गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बनेगा 44 का दैट विल बी द बी पोटेशियम का इनफ्लक्स या इफ्लक्स इनफ्लक्स का मूवमेंट मतलब होता है अंदर की तरफ मूवमेंट इफ्लक्स का मतलब होता है बाहर की तरफ मूवमेंट तो पोटेशियम आइन्स का जो मूवमेंट है वो डिसाइड करेगा टर्जिडिटी ऑफ द सेल एंड दैट विल डिसाइड द मूवमेंट ऑफ द स्टोमेटा कब खुलेंगे कब बंद होंगे तो 44 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन Potassium, influx, and efflux. Then next aata hai isme 45th number regarding the root pressure, which one is not correct? Kya correct hai? First option: hai, it is sufficient to rise the water above the ground level. B it is positive in all except the tallest tree. It do not act as a driving force for the mass flow of the sugar. इट इज़ नॉट एबल टू पुश द वॉटर अप टू अ स्मॉल हाइट इन द स्टेम तो फोर्टी फिफ्थ में अगर मैं रूट प्रेशर की बात करूं तो रूट प्रेशर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ द वॉटर इन अ हाइट इन अ प्लांट हुई इज़ हैविंग अ वेरी स्मॉल हाइट क्योंकि अगर वो लॉन्ग हाइट का है टॉल है तो फिर तो ट्रांसपेरेशनल पुल चाहिए आपको सो पहला ऑप्शन है कि इट इज़ सफिशेंट टू राइज द वॉटर अब द ग्राउंड लेवल कर सकता है इट इज़ पॉजिटिव इन ऑल एक्सेप्ट द टॉल ट्री ये भी ठीक है इट डज नॉट एक्ट एज अ डिराइविंग फोर्स फॉर द मास फ्लो ऑफ द शुगर ये भी क्लियर है इट इज़ नॉट एबल टू पुश द वॉटर अप टू अ स्मॉल हाइट इन द स्टेम नाउ दैट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट ये कर सकता है शॉर्ट हाइट तक वॉटर को पुल ठीक है इसीलिए स्मॉल प्लांट में रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ द वॉटर बट नॉट इन केस ऑफ टॉल ट्री तो फोर्टी फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन इट इज नॉट एबल टू पुश द वॉटर अप टू द स्मॉल हाइट इन द स्टेम सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर होप यू आर इंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ आर लेक्चर थैंक यू एंड बाय बाय